सबका भविष्य देखने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम वाले बाबा शायद अपने ही भाई का भविष्य नहीं देख पाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सौरभ गर्ग उर्फ सालीग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भाई एक दलित परिवार की शादी में नशे में धुत, हाथ में कट्टा लिए और मुंह में सिगरेट दबाए दलित परिवार के सदस्य को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ गर्ग ने कट्टा दिखाते हुए दलित परिवार के सदस्य को गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना गड़ा गांव बागेश्वर धाम की बताई जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार इस घटना के बाद खौफ में है। वहीं पुलिस अभी इस मामले में जांच करने की बात कह रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कई लोग इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? बरात। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? क्या घटना घटी है? बरात गई थी बागेश्वर महाराज के गढ़ाए, सो ब्रिज वाले कछुए इंतजाम, कछुए ना को खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधे खाना बुला दो बरात, खाना खाओ दो पाँच मिनट बनने, फिर हम और रह गए तो हम खाने लगे, सुजल बाबू गाय गुज गुज कर गंदी गंदी मारपीट करने लगो, हथियार भी लें तो दारू पी गया गिरत भी तो हन के दारू पिए तो दो एक लड़का संगे दो गए और फिर बिटिया वाले घर गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो, जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हाँ एक दमान बरात आई थी दमान हाँ मताई हम आओ तीन जना बस। वहाँ पे कौन आया था? बागेश्वर को जौन हाल थे महाराज को भज्जा। आपका मुख्य विवाद क्यों हुआ था? कुछ कोई बोली चली ना तो कोई नहीं कछू नहीं, जो आपका ये विवाद हुआ है ये विवाद किस कारण हुआ था, क्या कारण था? राय की बदौलत कौन ने कराई राय की बताड़ा था? उनके भाई की बात सामने आ रही है कि कट्टा लहरा के धमकी दे रहे हैं, क्या बात है? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है, इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन है सर व्यक्ति, किस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है? अभी इस मामले में जांच की जा रही है, अभी इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, स्वतः संज्ञान में लिया गया है वीडियो और इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसके समय की स्थान की पुष्टि की जानी बाकी है। प्रत्यक्षदर्शियों बरातियों का भी वर्जन आया उसमें कि वो बता रहे हैं कि वहीं धाम पे इस तरह की इस प्रकार का वर्जन अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया हुआ है, हमें सिर्फ वीडियो प्राप्त हुआ है अभी। सर कोई शिकायत आई है क्या अभी तक? अभी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त? सर बता रहे हैं कि वो परिवार बहुत दहशत में है, बहुत डरा हुआ है परिवार, इस तरीके का उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। अभी अगर कोई परिवार इस प्रकार का है तो उसने पुलिस में कोई सूचना नहीं दी है, अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो जान को भी खतरा है, लेकिन मैं अगर कोई शिकायत करता है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा पाएगी। मतलब अगर शिकायत किया जो वो पिस्टल लहरा रहा है क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जब ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं? सर उस चीज की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया का कहां का वीडियो है, किसका वीडियो है और कब का वीडियो है, जैसे ये पुष्टि होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर कार्रवाई हो सकती है? उसको जांच के पूरे होने पर कार्रवाई की जाएगी। सर उसके एक धमकी वाला जो वीडियो था उसमें FIR हुई थी, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, काफी दिन हो चुके हैं उसमें, चूंकि अभी बहुत सारे लगातार लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी चल रही थी इसलिए टीम अभी बाहर नहीं जा पाई है, जैसी टीम बाहर पहुंचती है उसमें कार्रवाई।